एक और पुलिस विभाग ने दीपावली को ध्यान में रखते हुए शहर में अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ शहर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की रात जरीपटका थाने के समीप ही एक अपराधी को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल तो पुलिस आकस्मिक विवाद होने की बात कर रही है, लेकिन इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। मृतक कौशल्यानगर अजनी निवासी फ्रैंक शुभनम अंथोनी बताया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्रैंक मानकापुर के चर्चित मोहित पीटर हत्याकांड में आरोपी था। बताया जाता है कि वह मंगलवार की रात जरीपटका थाने के समीप खोबरागढ़े चौक पर खड़ा था। इसी दौरान कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। गाली गलौज से शुरू हुआ झगड़ा मारपीट में बदल गया। करीब 5 से 6 युवकों ने फ्रैंक को घेर लिया, उसके सिर पर बड़ा पत्थर उठाकर मार दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही जरीपटका के थानेदार वैभव जाधव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फ्रैंक को अस्पताल रवाना कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बिना समय गवाए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। देर रात तक अन्य 2 की तलाश जारी थी। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी युवक गाली गलौज को लेकर विवाद होने की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन खबर मिली है कि पिछले कुछ दिनों से फ्रैंक अपने साथी आशीष मैडी और शाहरुख की जमानत करवाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। मैडी को मोहित के मर्डर में सजा हुई थी। वहीं कुछ महीने पहले शाहरुख को पुलिस ने 2 माउजर के साथ गिरफ्तार किया था। खबर यह भी है कि मैडी गैंग ने एक बिल्डर की सुपारी ली थी, उसका काम तमाम करने के लिए ही माउजर लाए गए थे। इसकी भनक विरोधी गुट को लग गई थी। देर रात तक पुलिस जांच में जुटी थी।